और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़रा का और गवर्नमेंट का बुनियादी काम है ताकि हमेशा इंतखाब रिगिंग के नारों से इल्जाम से हमारी जान छूट जाए। आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना वो रोल अदा करेगा जिससे कौमें आने वाली कौमें और नस्लें मुस्तफीद होंगी। ये एक आज़ाद खुद मुख्तियार और काबिल एतमाद इदारा खुदा के फजल से होगा। कानून हम पार्लियामेंट में बना के इनको देंगे और इंशाल्लाह ताला ये उस पर अमल करके जो आने वाला इंतखाब है 2023 ज़बरदस्त किस्म का इंतखाब होगा। मैं कौम और मुल्क को सारे मीडिया की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ, फिर अपने दोस्तों के यहाँ आने का, क्योंकि इनके आने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत और बावकार हुआ है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। साहब ये बताइएगा कि जो इलेक्शन से भेजने वाला पर कायम है किधर? वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है।